हारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। ओह व्हाट द फक, ओ शिट, अरे क्या उसका क्या, अरे चल के पता था क्या मेरा, ओ प्लीज क्या सकते हैं, हेल्प मी, ओ गॉड फको, ओ क्या ले कर, ओ अरे चल, ओ शिट, ओ शिट, ओ कहीं से अटका लेते हो हैं, ओ फक, ओ थैंक यू गॉड, इज्जत बजा रही अपने मेरे लिए तो आज तो कितनी लोडियो के लग जाते हैं रे बाप। फक अरे हाँ ए महाशय, वो तो सब ठीक है, मैंने आपकी मदद की, आपने अंकल कैसे बोला? Because you look like uncle. देखिए महाशय, अपना तात्पर्य अपने पिछवाड़े में डालिए, मुझे कतई पसंद नहीं है कोई मुझे बुढ़ा समझे। देखिए अंकल, सॉरी भैया, I'm sorry, my fault. Actually छोटी सी बातें भूल जाइए ना। ऐसे कैसे भूल जाइए? देखिए महाशय, आप मुझसे 10 कदम की दूरी बनाकर चलिए। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। ओके अंकल, सॉरी 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 आई मीन भैया भैया, माय फॉल्ट। देखिए अंकल, सॉरी आई मीन भैया, आदमी टकराता है तो उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो बेफजूल में, हाहा ही हु है? क्या रीजन है मुझे बताओ, मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मुझे जानते नहीं, कहां से आ रहे हो कहां जा रहे हो, एक्चुअली तुम लोग कुछ सोचते हो नहीं, इसीलिए हमारा देश चूल्हे में जा रहा है। अरे अंकल सॉरी, आई मीन भैया, मैंने इतना सीरियसली नहीं बोला था, अब तो इतना सीरियस ले लियो अंकल, सॉरी सॉरी भैया भैया भैया। साला चूतिया, अजीब आदमी है। यार पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं, देखने को तो कई बार देखते हैं अंकल, लेकिन जब भी इस प्लेस को देखते हैं, सॉरी भैया, जब भी इस प्लेस को देखते हैं ऐसे चिल्ला पड़ते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। अंकल सॉरी भैया, सॉरी कुछ नहीं होगा इस जनरेशन का। पता नहीं ये क्या उखाड़ लिया। अंकल, अरे सॉरी सॉरी, आई मीन भैया, पानी मिलेगा क्या? तो क्या नाम है तुम्हारा? अंकित बेटा, अंकित अब ओवरफिल हो रहा है।
अंकल। सॉरी सॉरी लास्ट बार प्लीज प्लीज आई मीन भैया सॉरी सॉरी आई माय फॉल्ट सॉरी सॉरी। देखो यार ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जनरेशन से कोई प्रॉब्लम है मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? यूनिवर्सिटी। वो उसी शहर के बगल में गांव है ना? हाँ। वही मेरा घर है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तुम इतनी देर से सिगरेट पी रहे हो, बेफजूल की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं किस टॉपिक पे बात की जाती है। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुंबई से। मुंबई से? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। अच्छा एक बार बताओ, तुम इतनी देर से बेफजूल बातें कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए इस पर विचार करते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं। आज भी हमें 5 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर पैदल जाना पड़ता है, रास्ता नहीं बना। इस मुद्दे पर बात करो। आजकल मोदी सरकार विदेशों में घूम रही है, क्यों घूम रही है इस पर बात करो। वो चेन्नई में बाढ़ आ गई, रजनीकांत और साउथ के सारे स्टारों ने पैसा दिया, शाहरुख खान ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आमिर खान बार बार देश छोड़ने की बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? आजकल वो केजरीवाल के सब पिछवाड़े में घुसे जा रहे हैं। अरे इन सब ये होते हैं सेंसिबल मुद्दे, इन सब पर बात करो। और तुम इतनी देर से क्या वही लड़कियों की पीछे पड़े हुए और वादियों की बातें कर रहे हो? सुनो, ये तुम क्या लड़कियों की बात करते रहते हो? लड़कियों के मामले में अब भी तुम हमसे पीछे हो। कैसे पीछे? 16 साल की हर लड़की मुझे लाइन मारती है, घंटा लाइन मारती है। हमारी गर्लफ्रेंड को देख लोगे ना तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। आश्चर्य पड़ जाएंगे, घंटा पड़ मेरी सूरत पे मत जाओ। साला बड़ा घुसा को जा रहा है। देखिए अंकल, सॉरी मुंह मत बनाइए भैया। कितनी एज होगी आपकी? 37 साल। मेरी कितनी होगी? 24-25। देखिए अंकल, घंटा पीछे, मतलब सॉरी भैया, घंटा पीछे हम आपसे। आपकी एज मुझसे 15 साल बड़ी है, फिर भी आप इसी रोड पे रोज चले जा रहे हैं, रोज चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है अगले 15 साल में ना मैं इस रोड पे नहीं चलूंगा, ऐसे पैदल नहीं चलूंगा, मेरे पास गाड़ी होगी। क्या होगी? गाड़ी होगी, समझे आप? और मैं ये जो देश की बात करके मैं क्या उखाड़ लूंगा? आप अपना फ्रस्ट्रेशन मुझ पर क्यों उतार रहे हैं? और ये मैं मोदी सरकार की बात करके क्या कर लूंगा बताइए? वो देश जाए विदेश जाए मुझसे क्या फर्क पड़ता है यार? और रही बात ये केजरीवाल, केजरीवाल के पीछे सब लोग पिछवाड़े में घुसे रहते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कैसे उन्हें बोलूं कि नहीं भैया तुम गलत जगह घुसे हुए, प्लीज बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, मुझसे क्या मतलब है? और ये आमिर खान देश छोड़ने की बात कहा होगा तो वो जाने यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे वो क्या सोच के बोला होगा ये जाके आप पूछिए, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे जो चेन्नई वाली बाढ़ आई थी उसमें कितने पैसे दिए थे आपने? अभी तक तो नहीं दिए। तो मेरी सैलरी से पैसे कट चुके हैं, समझे आप? और हमने ये बात पे करके यकीन नहीं रखते हैं, हम काम पे यकीन रखते हैं, समझे आप? और हाँ सुनिए, रही बात लड़कियों की ना, घंटा कोई लड़की आपको भाव देती होगी, समझे? पानी तुमने सर के ऊपर चढ़ा दिया है, अब हम तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाते हैं। कहाँ गया? हाँ ये देखो मेरी गर्लफ्रेंड का फोटो। खा चुका मतलब नहीं कुछ नहीं, मैंने मतलब देखो, बताना देखो देखो तुम नहीं बात, अरे बात समझो, अरे 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 बताना पड़ेगा तुम्हें, अरे नहीं छोड़ोगे नहीं हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। तुमने कहा कैसे खा चुके अरे मतलब बताओ, अरे बताओ, रुको बताता हूँ, छोड़ो मतलब तो बताओ। देखो खा चुका मतलब होता है मैं इस लड़की के ले चुका हूँ, सोच चुका हूँ इसके साथ। अच्छा 3 दिन मामा के घर बोलकर गई थी, तुम्हारे पास थी? हाँ मेरे पास। इतना बड़ा धोखा। अब पता चला अंकल, सॉरी आई मीन भैया। देखिए आदमी मिलता है तो किसी न किसी वजह से मिलता है, टकराता भी है तो किसी न किसी वजह से टकराता है। समझ नहीं आपको बात? हो गया, अब जैसा है ना, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। दिमाग मत खराब करो नहीं तो मैं फोड़ फाड़ डालूंगा तुम्हें, समझे? ठीक है जाता हूँ। वैसे अंकल मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। सुहाना जबर और ईमान अही उन जाए।